नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक हिंदी पर। मैं हूं अपना सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। एक अलग टाइप की वीडियो है, काफ़ी नॉलेजेबल, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको इन सब का फुल फॉर्म और इन सब के बारे में बताऊंगा आपको। जैसे CNN है, BBC, ANI, PTI, ABP, NDTV, DD, ऐसे बहुत सारे न्यूज एजेंसीज हैं, मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं जो हमेशा कोई ना कोई सुनने में तो आते ही रहता है। तो इसके बारे में बहुत लोग को नहीं पता होगा। मुझसे एक्चुअल में इसके बारे में सवाल किया गया कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ। आपके भी जो सवाल हो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करो, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूँ। सबसे पहले तो DD का फुल फॉर्म जान लेते हैं। DD मतलब होता है दोस्तों दूरदर्शन, जैसे होता है ना DD नेशनल, DD न्यूज़, ऐसे बहुत सारा है DD भारती। तो ये प्रसार भारती इसका ऑनर है, वही चलाता है इसको। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ही है, ये सरकारी ये मीडिया है, समझ लो ब्रॉडकास्टिंग है ये। तो इसके बहुत सारे चैनल हैं जो आपने सुना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं CNN। नाम तो बहुत बार सुना होगा आपने। इसका मतलब होता है केबल न्यूज़ नेटवर्क। ये एक अमेरिकन न्यूज चैनल है, न्यूज एजेंसी है CNN, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। इसके न्यूज़ बहुत हाई लेवल होते हैं, बहुत सटीक न्यूज़ होते हैं CNN के बारे में। उसके बाद BBC। BBC तो मोस्ट पॉपुलर है, ये हर कोई सुना होगा। इसका रेडियो भी है, बहुत सारा ही वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, हर जगह है और कई भाषाओं में है दुनिया में। इसका नाम फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। एक ब्रिटिश कंपनी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको। फिर उसके बाद दोस्तों ANI। हर दिन न्यूज चैनल आप देखते होंगे तो ANI ज़रूर दिखता होगा आपको। इसका पूरा नाम है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल और ये एक इंडियन न्यूज एजेंसी है, भारतीय है ये, लेकिन इसका नाम है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, जो कि बहुत ही बड़ा एक न्यूज एजेंसी समझ के चलो। ये भी नॉन प्रॉफिटेबल न्यूज एजेंसी है, मतलब इसका कोई बिजनेस से मतलब नहीं है, लेकिन ये न्यूज प्रोवाइड करता है हर जगह। तो बहुत बड़ी है ये और इसके न्यूज हमेशा बहुत ही सटीक होते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है PTI। PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भी एक भारतीय न्यूज एजेंसी है और ये भी नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब ये भी गवर्नमेंट समझो, एक तरह से सरकारी है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी हेड ऑफिस जो कि दिल्ली में स्थित है, ये भी बहुत सारी न्यूज वगैरह उपलब्ध कराती है। फिर दोस्तों नंबर आता है ABP। बहुत पॉपुलर इंडिया में हिंदी न्यूज चैनल है, ऐसे बहुत भाषाओं में ये अब तो करने लगा है। इसका मतलब है आनंद बाजार पत्रिका। तो ये भी एक इंडियन न्यूज एजेंसी है, न्यूज चैनल है, बहुत कुछ है, ये तो सब जानते हो, किसी से भी छुपा नहीं है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब आनंद बाजार पत्रिका होता है। फिर उसके बाद दोस्तों नंबर आता है NDTV। बहुत पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर, इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है ये तो किसी से भी छुपा नहीं, ये चैनल का नाम। तो इसका मतलब होता है न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। ये एक भारतीय न्यूज चैनल है, ये किसी से भी छुपा नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों का चैनल है, ये दोनों चलता है इस पर। तो दोस्तों ये थी इन सब के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। कोई सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कोई और मीडिया रह गया हो ऐसे ही तो उसको आप बता देना, अगर आपको पता हो तो, कि और लोगों को भी पता चल सके। तो ये छोटी जानकारी इस वीडियो में देनी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और जो लोग नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते फिर ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।